दो भाई थे। एक भाई तो बहुत बड़ा भजनानंदी था और उसका ही सगा बड़ा भाई वो बिल्कुल उसके अपोजिट। उसको मंदिर कभी जाना नहीं, माता पिता की बात माननी नहीं, धर्म कर्म के कभी काम हो तो वो उठ के चला जाता था। माता पिता पधार गए, दोनों भाई धीरे धीरे बड़े हुए। छोटा भाई तो बहुत बड़ा संस्कृत का ज्ञानी बन गया और बड़ा भाई एक नगर का लुटेरा बन गया, चोर डाकू डकैती सब आ गई उसके अंदर। दोनों भाई अलग अलग रहने लगे। एक दिन छोटा भाई शंकर जी की आराधना करके, पंचामृत अभिषेक करके, त्रिपुंड लगा करके, इत्र से सेवा करके, महामृत्युंजय के 1,25,000 जप करके मंदिर से निकला और बड़ा भाई किसी व्यक्ति को जान से मार करके, हत्या करके उसके करोड़ों के धन को लूट करके निकला और दोनों भाइयों की एक जगह भेंट हुई। एक ही रास्ते पर दोनों भाई मिले। बहुत सावधानी से सुनिए सब लोग। एक ही स्थान पर दोनों भाइयों की भेंट हुई। दोनों रुक गए। क्यों? तो कहते हैं जो छोटा भाई मंदिर से निकल करके आ रहा था उसके पैर में एक कील लग गई थी और वो कील को निकालने के लिए रुका था, और बड़ा भाई जो किसी को मार करके करोड़ों की संपत्ति हड़प करके निकला था वो क्यों रुक गया? बोले इतना लूट करके आ रहा था पर उसके बावजूद भी उसको रास्ते में आगे चलते हुए एक पोटली मिली। पोटली खोल के देखी तो उसमें भी सोना रखा था, पोटली लेने के लिए वो रुका। मतलब दोनों भाई आमने सामने मिले। जो मंदिर से निकला था उसके पैर में कील लगी थी और जो किसी को मार करके आया था उसको सोने की पोटली मिली। ऐसा पता है आज भी होता है। ज्यादा मंदिर जाने वाले, ज्यादा भजन करने वाले, कथा वथा सुनने वाले, उनके जीवन में कोई ना कोई पीड़ा आती रहती है। और क्लब्स में जाने वाले, उल्टे सीधे काम करने वाले, मुर्गा की नार मरोड़ करके खाने वाले, मछली को जल तो रही बता करके चबाने वाले, ऐसे लोग बड़े सुखी रहते हैं, उनके जीवन में कोई पीड़ा सी नहीं होती। इसके पीछे एक उदाहरण मेरे गुरुदेव दिया करते। मैं अपने गुरुजी से बहुत पूछता था तो वो इसीलिए मैं आपसे भी कहता हूं जिज्ञासा मन में आना अच्छी बात है, पूछा करो। हमारे गुरुदेव ने एक बहुत अच्छा उत्तर दिया। बोले अच्छा एक बात बताओ, धरती पर जो व्यक्ति लेटा है वो यदि करवट लेगा तो गिरेगा? नहीं गिरेगा। क्यों? पहले से ही गिरा हुआ है। लेकिन जो व्यक्ति बेड पर लेटा है वो यदि करवट ले तो गिरेगा। क्यों? क्योंकि ऊंचा है, ऊंचे स्तर पर लेटा हुआ है। इसी प्रकार जो धर्म कर्म करने वाले लोग हैं ना, इनका स्तर ऊंचा है। यदि इनसे कोई पाप बन भी जाता है या इनसे कोई गलत काम गलती से भी होता है तो इनको पीड़ा होती है। क्यों? क्योंकि इनका स्तर गिरा हुआ नहीं है, इनका ऊंचा स्तर है। और पापी लोग तो पहले से ही गिरे हुए हैं, और कितना गिरेंगे, करते रहो कितने भी गलत काम करो उनको फर्क नहीं पड़ता। परंतु जब वो दो भाइयों की कथा आती है तो वहां पर छोटा भाई रोने लगा कि मैंने इतनी सेवा की शंकर जी की, बचपन से आज तक धर्म के मार्ग पर चला और आज भी मंदिर से निकला तो मेरे पैरों में कील लग गई और मेरा भाई सारे गलत काम किए इसने हमेशा, आज भी किसी को मार करके लूट करके आ रहा है और आज इसको सोने की पोटली मिल गई। क्यों? तभी आकाशवाणी हुई आकाश से और कहा कि तुम रोना नहीं, वास्तविकता समझो। तुम्हारे जन्म के अनुसार, तुम्हारे नक्षत्रों के ग्रहों के अनुसार आज तुम्हारी मृत्यु निश्चित थी, पर तुम्हारे धर्म कर्म की वजह से तुम्हारी मृत्यु एक कील में टल गई और तुम्हारा भाई उसके जन्म नक्षत्र और ग्रहों के अनुसार आज वो पूरी पृथ्वी का राजा बनने वाला था, पूरी पृथ्वी का सार्वभौम उसको प्राप्त होना चाहिए था, लेकिन उसके पापों की वजह से केवल एक छोटी सी पोटली उसको प्राप्त हुई है।
तो पाप और पुण्य क्या करते हैं? ये हमारे हमको प्राप्त होने वाले सुख और दुख को उनका डायमेंशन बढ़ाते घटाते रहते हैं। ज्यादा धर्म करोगे तो निश्चित है कि पाप जो है वो होगा तो सही, जो जीवन में कष्ट आना है वो आएगा तो सही, लेकिन कम होकर के आएगा। पाप ज्यादा करोगे तो जो पुण्य आपको बहुत प्राप्त होने वाला था, जो सुख समृद्धि आपको बहुत प्राप्त होने वाली थी, वो सूक्ष्म हो जाएगी, वो कम हो जाएगी। पाप सुख समृद्धियों के डायमेंशन को कम कर देता है और पुण्य जो है वो कष्टों के प्रभाव को कम करता है। लेकिन यहां पर लिखा गया है तापत त्रय विनाशाय, ठाकुर जी की शरण में आने वाले के तीनों प्रकार के तापों का भगवान विनाश कर देते हैं। इसका मतलब क्या है? ताप तो आएगा लेकिन आपको अनुभव नहीं होगा। अभी पिछली कथा में एक भाव मन में आया था कि भागवत की कथा क्या है, भक्ति का पथ क्या है, भक्ति का रास्ता क्या है। एनेस्थीसिया का इंजेक्शन है, एक बार यदि लग गया तो भले ही डॉक्टर ऑपरेशन कर दे लेकिन दर्द नहीं होगा। ठीक वैसे भक्ति मार्ग के अनुगामी जो होते हैं ना, उनके जीवन में पीड़ा तो बहुत आती है लेकिन उनको अनुभव नहीं होता, उनको पता नहीं चलता। मीराबाई का जीवन यदि आप देखोगे तो क्या पीड़ा नहीं थी? बहुत पीड़ा थी। प्रहलाद जी का जीवन देखोगे, ध्रुव जी का जीवन देखोगे, क्या पीड़ा नहीं थी? पीड़ा बहुत थी लेकिन अनुभव नहीं हुआ, अनुभूति नहीं हुई। क्यों? भक्ति मार्ग पर चल रहे थे। इसलिए जीवन में आध्यात्म जरूरी है। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय।